हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इकोनॉमिक्स क्लास 11th का थर्ड चैप्टर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण चल रहा है अपना, और इसकी दो वीडियो अपन ने देख ली है। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि हमें 1991 के बाद आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने 1 अप्रैल 1951 से जो नियोजन काल इन्हें पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी थी, और देश में नियोजन का कार्य और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य प्रारंभ हो गया था। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने के 40 वर्ष हो चुके थे 1991 में, लेकिन 1991 के अंदर कुछ ऐसी बातें आई, कुछ ऐसा आर्थिक संकट गहराया कि देश को नई औद्योगिक नीति बनानी पड़ी, और उस नई औद्योगिक नीति के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि निजीकरण क्या है। आज के अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे अपन उदारीकरण। तो बच्चों, उदारीकरण का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन, अर्थात लिबरल होना। लिबरल होना का मतलब होता है नियमों में शिथिलता, ढील या छूट लाना। कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, कोई भी नीतियाँ बनी हुई है, यदि उन नीतियों की कठोरता के स्थान पर कुछ सरलता ले लाई जाए या उनके नियमों में कुछ छूट दी जाए तो इसे कहते हैं उदारीकरण। और यह कार्य हमारे देश के अंदर 1991 में किया गया। तो 1991 के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि देश को अचानक अपनी जो नीतियाँ थी, अपने जो कठोर कानून थे, उसके अंदर बदलाव लाना पड़ा। तो सब अपन जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ पर राजाओं का राज था। जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, राजाओं का राज था देश के ऊपर, तो हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था, और देश विकसित देश था, और हमारा देश समृद्ध था, विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी, और अन्य कई देशों से हमारे संबंध थे। लेकिन हमारे जो देश की जनता इतनी भोली थी कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने व्यापार का हाथ बढ़ाया, मित्रता का हाथ बढ़ाया, और ये कहा कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, और हम व्यापार करेंगे तो तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, तो हमारे देश के राजाओं ने उन्हें परमिशन दे दी, स्वीकृति दे दी, और बहुत आसानी से वो हमारे देश में प्रवेश कर गए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार हमारे देश में बढ़ाया, और व्यापार बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने हमारे ऊपर शोषण प्रारंभ कर दिया, हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया, हमारे ही देश में हम गुलाम बन करके रह गए। उसके बाद हमारे कई क्रांतिकारियों ने बहुत अधिक संघर्ष किया, और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल गई। अब क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली, और हमें हमारे राजाओं की गलती की वजह से हम लोग गुलाम हुए थे। राजाओं की गलती क्या थी? वो बहुत उदार थे, लिबरल थे, उन्होंने आसानी से अंग्रेजों को छूट दे दी थी कि आओ और हमारे देश में व्यापार करो। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, आए, पहले व्यापार किया, और धीरे धीरे हमारे ऊपर शासन किया, हम ही को गुलाम बना लिया, और हम बाद में हमारे ऊपर अत्याचार किया और हमारा शोषण किया। तो इस गलती की वजह से, राजाओं की उदार नीति की वजह से देश हमारा गुलाम हो गया था। तो जैसे ही जब देश आज़ाद हुआ, और 1 अप्रैल 1951 को योजना आयोग और योजना आयोजना और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब की मदद से जब 1951 में पंचवर्षीय योजना चालू हुई, तो हमारे देश में जो योजना बनी, जो आयोग बना, उन्होंने अपनी जो शर्तें थी, जो नियम थे, जो नीतियाँ थी, उनको कठोर रखा। कठोर रखने की बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारे उदार नीति की वजह से अंग्रेजों के हम गुलाम बन गए थे। तो अब इससे हमारे देश ने, हमारी अर्थव्यवस्था ने, हमारी सरकार ने ये सीख ली कि अब हमें अपनी नीतियों को कठोर रखना है। तो अपन देखते हैं कि 1991 के पहले राजा थे, फिर अंग्रेज आए, और फिर अंग्रेज जब चले गए तो नियोजन का दौर आया, और नियोजन के दौर के अंदर अपन ने कठोर कानून बनाए, हमारे नियम अन्य देशों से कठोर बनाए। 1 अप्रैल 1951 से विकास का दौर प्रारंभ हो गया। 40 वर्ष कब हुए, 1951 से 1991 तक विकास होता रहा, लेकिन कुछ कमी लगी कि जितना विकास होना था वो विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि
विदेशी जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो नीतियाँ थी बहुत कठोर थी। तो कठोर क्यों थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि राजाओं की गलती की वजह से देश गुलाम हो गया था, इसलिए हमारी नीतियाँ कठोर बनाई थी। अब हमारी नीतियाँ क्योंकि कठोर थी तो अन्य देश की जो विदेशी जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर व्यापार नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि कई सारे प्रतिबंध थे, आयातों पे निर्यातों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे। तो 40 वर्षों तक तो हमने फिर भी चलता रहा ये, लेकिन 1991 के आर्थिक संकट के समय हमने महसूस किया कि अब हमारी जो नीति है उसमें हमको चेंज करना होगा। जो हमने इतने कठोर कानून बना रखे उन कठोर कानूनों के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना होगा। तो 40 वर्ष के अंदर अपन ने कुछ विकास तो किया, लेकिन ये विकास में कुछ कमी नजर आई। विदेशी जो इन्वेस्टमेंट करने के अंदर घबराते थे, ऐसे के अंदर अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर पन्नेदिकर ने एक लेख लिखा था डेवलप्ड फॉर कंट्री, उसके अंदर उन्होंने लिखी थी लाइन कि हमारे पास वह सब कुछ है जो विकसित देश के पास होना चाहिए, लेकिन नियोजन के चक्कर में अनावश्यक कठोर नियम और नीतियां हमने बना रखी है। अर्थात 40 वर्षों के विकास के दौरान ये पाया गया कि भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, न ही पैसों की कमी है, भारत के पास सब कुछ है, लेकिन हमने क्या नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं जब बनाई थी योजना आयोग के तहत, तो हमने कुछ ऐसी कठोर नीतियां नियम कानून बना रखे जिसकी वजह से हमारा देश के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा है। तो अब इनको ढीला करना आवश्यक है। तो इन सब की वजह से हमें लिबरलाइजेशन या लिबरल होने की आवश्यकता पड़ी, अर्थात उदारीकरण की नीति को प्रारंभ करना आवश्यक हो गया। आगे आपको चाहिए समझ में हमने कठोर कानून क्यों बनाए थे वो भी मैंने आपको बता दिया, और 1991 40 वर्ष की पंचवर्षीय योजना के बाद अब हालात ऐसे हो गए थे कि अब हम उन कठोर नीतियों के सहारे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, उसको उत्थान करने के लिए, देश का विकास करने के लिए आवश्यक था कि हमने जो कठोर कानून नीतियाँ जो बना रखी है उसको थोड़ा लिबरल किया जाए, उसमें थोड़ा उदारीपन लाया जाए, ताकि विदेशी लोग भी हमारे देश के अंदर व्यापार करें, जिससे हमको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो, हमारा GDP बढ़ जाए और निजीकरण को भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि निजीकरण जितना अधिक हो रहा था हमारे देश का विकास उतना ही अधिक हो रहा था। तो 24 जुलाई 1991 के अंदर उदारीकरण का दौर को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये प्रारंभ कब हुआ था बच्चों? वैसे तो ये प्रारंभ हो गया था 1973 में, लेकिन वास्तव में ये प्रारंभ हुआ था 1985 में, और 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने LPG की घोषणा की थी। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा 1991 में हमारे उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने की थी, और उसके बाद से ये उदारीकरण का दौर प्रारंभ हो गया था। अब उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ है लिबरल होना, उदार होना, अर्थात निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। मैंने यहाँ पर ही बता दिया था कि नियमों में शिथिलता प्रदान करना, ढील या छूट प्रदान करना ही उदारीकरण है। तो उदारीकरण का मतलब होता है उदार हो जाना, लिबरल होना अर्थात निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव लाना, जो मेन चीज क्या है, सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव लाना, लाइसेंस पद्धति को सरल करना, पाबंदियों को कम करना या खत्म करना, या फिर कह लो कि सरकार का लचीला रूप ही लिबरलाइजेशन या उदारीकरण है, सरकार की नीति को सरल बनाना। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार का अपनी नीति को सरल बनाना या छूट देना ही उदारीकरण है। आ गया समझ में? तो 1991 के अंदर देश के हालात ऐसे हो गए कि जो हमने कठोर नियम कानून बनाए थे उनको सरल करना आवश्यक था, देश के उत्थान के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए, और देश के अंदर GDP बढ़ाने के लिए देश के अंदर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की आवश्यकता थी। और सबसे जो मुख्य बात थी कि हमारे जो अर्थव्यवस्था के द्वार है वो विदेशों के लिए, सभी के लिए खोल देने, ताकि जो निजी कंपनियां हैं वो अपना धन लगाएं, जो विदेशी कंपनियां हैं
वो भी अपना धन हमारे देश में लगाए, ताकि हमारे देश से जो आप उस धन से जो आमदनी हुई उससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाए। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर निजीकरण हो गया, आज हो गया उदारीकरण, अब अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।